अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, सुजलेम फ्रॉम कश्मीर। पे हम बताएंगे निगर बशीर को हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। असल में मैं बर्थडे नहीं मनाती, आज तक मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, इन्होंने मुझे जबरदस्ती किया। ये जबरदस्ती बर्थडे में मेरे से मनवा रहे हैं यार, मुझे खाना नहीं था, ये फजूल है, मुझे ला रहे हैं यहाँ पे। ये बड़े कमीने हैं दोनों, अल्लाह पाक। मुझे नाराज नहीं होना कोई, मैंने आज तक नहीं मनाया कभी बर्थडे, ना तो आपने देखा होगा नहीं कभी बशीर का कभी भी गया बर्थडे पे, लेकिन इन दो कमीनों ने मुझे निकाला घर से। बर्थडे मनाओ पार्टी होने ना। हाउ यू फीलिंग? मैं तेरे की चुप ही करना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं चलो मैंने खेला इंटरनेशनल खेला या साउथ एशियन ये खेला है, इसलिए खुशी हो रही है कि चलो जी लोग मुझे भी देख के भी खुश होते हैं, इंस्पायर होते हैं, इस चीज़ की खुशी हो रही है कि नहीं कि हम जो यूथ आइकन है सही दिशा में लेके जा रहे हैं, हमारे पीछे जो यूथ चलती है उसको सही दिशा दिखा रहे हैं। बस खाली मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि पापा का जो सपना था कि तू एक आइकन बने, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं वो बन पाई यूथ के लिए एक आइकन, यूथ के लिए एक वॉइस। मैं हमेशा चाहती थी कि स्पीक अप, जो भी पोइम लिखी गई है वो सही है कि इट्स द राइट टाइम फॉर द यूथ टू वेक अप एंड स्पीक अप, क्योंकि अगर आप आज चुप रहे ना तो आप कभी नहीं बोल पाओगे। जाने पर
क्या क्या लिया आपने? कुछ नहीं, असल में मुझे शादी में जाना था। वो एक शादी यहाँ पे सलूर में हो रही है, वहाँ पे मुझे दावत में जाना, आज उनका वलीमा है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या शॉप का क्या नाम है अंकल? अल मोनालिसा। ये जहाँ पे तजमल सर की एकेडमी थी उससे थोड़ा बहुत आगे ही है, कान्हामा में। तो हमने यहाँ से शॉपिंग ली, एक तो जीन्स लिया था, टॉप लिया था, और मैंने शूज बैली टाइप लिया था, और ये स्टॉल मैंने यहाँ से लिया। तो मैं उम्मीद करूँगी कि साहब आएंगे, इंजॉय करेंगे। थैंक यू जनाब। तो ये मैंने गिफ्ट लिया है यहाँ पे दीदी के लिए, जो मेरी भाभी है उनके लिए लिया है। तो इनको मैंने बोला अंकल को मैं गिफ्ट लेके जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ डिस्काउंट मुझे ज़रूर करना। बोला अंकल ने कोई बात नहीं, आप लेकिन मैं उनको गिफ्ट करूँगी, क्योंकि कल उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप आए वो बड़ी बात है, लेकिन उनकी भी तो शर्म होती ना, वैसे ही जाए दावत खाने के लिए। तो निगर नहीं होगी। मेरी हालत ही खराब हो गई। थैंक यू जुनैद फॉर दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आई होप गाइज आपने इन्जॉय किया होगा जो ये जुनैद ने मेरे ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर किए थे। प्लीज़ इसकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।